Alamadı Kaşmir. Kaşmir kazar, han bura. Bohat bura. Eza bura şer, bol sağlam eni. Meyle bir kedağın, bu sıramın yeri bir kedağın. Kaşmir, and I've been watching it for 30 years, has gone full circle. What I saw in Kashmir when I first went there in 87, I'm seeing exactly that. We've gone full circle in Kashmir. Kashmir, yes. Manega nahi. Isko asani se. But aage jab hoga, to phir manega. Main isliye keh raha hoon, ki agli jo election hogi, sir, उसमें जब मैं देखता हूं तो मुझे उमर अब्दुल्ला नजर आता है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर. लेकिन कश्मीर का कुछ अरिथमेटिक ऐसा है कि कोई वैली की पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती, इसीलिए पीडीपी आज प्रसिद्ध है. तो इन नेक्स्ट कोएलिशन सर कश्मीर विल अगेन बी what it was in 86, 87, it will again be a Congress National Conference coalition. That will be also the time, that is the way I look at it. Aaj, jo halat hai, jo situation hum dekh rahe hain, a dukh hota hai. It all goes back to 2014. मैं श्रीनगर में था मई में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, तो मैं श्रीनगर गया, तो मैं मुफ्ती साहब के पास गया, बड़े खुश थे. आई हैव नेवर सीन मुफ्ती साहब लुक सो हैप्पी. ही वाज राइडिंग हाई, ही वाज द मॉनार्क ऑफ ऑल हिज सर्वे. माय बॉस, ही न्यू कि पहली बार PDP is going to defeat the National Conference in all three seats in the valley. He told me, he says, your friend has lost in Srinagar. He was a very profound governor. Mufti Sahib always said, he's your friend. if Farooq Sahib acknowledges it, I regard it as a great compliment. But I'm also your friend. So Mufti Sahib had already made started making overtures to the BJP. He had the vision to foresee ke 2014 mein Congress wapis nahi aane wali, BJP ki sarkar banegi, Modi ji ki sarkar banegi. So he was already reaching out to Modi ji. And he had sent, I still remember, an emissary of his, especially to Ahmedabad. Mufti sahab ki problem ye thi ke Mufti sahab overestimated himself and underestimated Modi. Isliye wo phase. Jo election ka result aaya 2014 mein, it was a very peculiar result in Kashmir. It set aside no political party. BJP baat kar raha tha Mission 44 ki. उनकी 25 सीटें हैं. पीडीपी भी सोच रहा था हमारी भी शायद 40-45 सीटें हैं, 35 तो आएंगी आएगी, वो भी फंस गया 28 पे. और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शायद 15 सीटें हैं, कांग्रेस की भी या शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस की 18 है और कांग्रेस की 15 है. तो कोई क्लियर कोएलिशन बनता नहीं था. मुफ्ती साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय बीजेपी, क्योंकि कश्मीर में कश्मीरी जान गया है कि दिल्ली के बगैर आप सरकार नहीं चल सकती कश्मीर. और इसी से मुझे एक और चीज ख्याल में आती है. पीछे हमारे यशवंत सिन्हा साहब मिनिस्टर रहे हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर रहे हैं, एंड आई रिगार्ड दैट कैबिनेट अटल जी की कैबिनेट थी इज वन ऑफ दी बेस्ट कैबिनेट इन रिसेंट ईयर्स.
Which one sends up? पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो बीजेपी से रवानगी कर गए हैं, तो वो कश्मीर जाते रहे हैं। और एक बार जब वो कश्मीर होके वापस आए तो उन्होंने कहा वी आर लूजिंग द वैली। मैंने कहा सर वी आर नॉट लूजिंग द वैली, वी विल नेवर लूज द वैली। कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे और कश्मीरी को और जाने की जगह भी नहीं और जाना भी नहीं चाहता है। लेकिन उसकी उसको सोचने उसको समझने की तो कोई कोशिश करे। सो मुफ्ती साहब हैड टू मेक दैट अलायंस एंड ही पेड फॉर। And in his reckoning, and his daughter's reckoning, and in Kashmir's reckoning, Kashmir has paid a big price for that. Mufti Sahab died very sad, broken man. Or, jab unka funeral hua unke gaon mein bhi bihara mein, wahan sirf 12-1300 log the. Aur Mufti Sahab, मैं हमेशा कहूंगा कि कश्मीर के एक बड़े लीडर रहे हैं, मामूली लीडर नहीं, एक बड़े लीडर रहे हैं। आखिरकार वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी रहे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन बाय द टाइम ही पास्ड अवे ही वाज अ रैक। और इसीलिए महबूबा को 3 महीने लगे डिसाइड करने में कि हाँ मैं ज्वाइन करूं बीजेपी के साथ ही चल के, और कोई उसने भी देखा कोई और रास्ता नहीं। अगर पावर चाहिए तो बीजेपी के साथ चलना पड़ेगा। और महबूबा जी भी आज फंसी हुई है, वो भी बार बार यही कहती है प्लीज पाकिस्तान के साथ बात करिए, कश्मीरियों का ख्याल करिए। कश्मीर में सर अनफॉर्चुनेटली जो आज हम नैरेटिव देख रहे हैं वो इट रिवॉल्व्स अराउंड वायलेंस। इट्स अ वेरी सैड नैरेटिव। जो कुछ भी है, चाहे वहां का लिटरेचर हो, चाहे वहां का फिक्शन हो, चाहे वहां का रोमांस हो, मैं आपको बताता हूं कि 3-4-5 साल पहले मैं जब श्रीनगर जाता था तो वहां दल के ऊपर वो पुराना उबराय का डॉक्टर करण सिंह का पैलेस है जहां ललित होटल है, वहां बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स आपस में मिलते थे, बैठते थे। पहले मैंने देखा शुरू में कॉफी पीते थे, फिर 4-5 साल पहले बियर पीने लगे। आज वही बच्चे, वही रोमांस अब सड़कों पे इकट्ठे पत्थर मारते हैं और लड़की है लड़कों से आगे। तो आप सोच लीजिए कि कश्मीर का हाल क्या हो रहा है और मिलिटेंसी बढ़ रही है। इस समय एस्टिमेट ये है कि 100 मिलिटेंट पाक है जिसमें से 70 जैश का है, 30 लश्कर का है। और जो इंडिजिनस तंजीम बनी थी जिस पर मुजाहिदीन वो तकरीबन खत्म हो गई, लेकिन एक और इंडिजिनस लड़के साउथ में खुद मिलिटेंट बन गए और 30 एक लड़के वो भी। और उनका हाल यह है कि अगर एक को मारो तो 2-3-4-5 और तैयार।